TNT Hindi Tech. हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेंद्र सिंह अरोड़ा और टीएनटी इंजीनियरिंग में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि टाइटल में आपने देखा होगा कि हाउ टू मेक बूटेबल पेन ड्राइव, तो आज हम इसमें देखने वाले हैं कि एक पेन ड्राइव को हम बूटेबल कैसे बना सकते हैं। मतलब ये कि अगर हम जैसे किसी लैपटॉप में या कंप्यूटर में जब विंडो डालते हैं, इंस्टॉल करते हैं विंडो, तो उस समय हम सीडी का या डीवीडी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप पेन ड्राइव में विंडो डाल के आप किस तरह से उसका विंडो इंस्टॉलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक पेन ड्राइव को भी बूटेबल सीडी की तरह उसे बूटेबल पेन ड्राइव भी बना सकते हैं विदाउट किसी सॉफ्टवेयर के और विदाउट किसी एप्लीकेशन के। तो आज हम वही देखने वाले हैं, बिल्कुल ऑफलाइन तरीका है और बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अगर आपके पास में विंडो की कोई सीडी है और कोई भी विंडो की सीडी हो, चाहे वो 10 हो, 7 हो या एक्सपी हो, तो मैं आपको उसी सीडी से पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना बताऊंगा। तो ये सिर्फ जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, ये सिर्फ विंडो 7 के अंदर और विंडो 10 और 8 के अंदर होता है, एक्सपी में नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको वो तरीका बताता हूँ और आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाता हूँ। और फ्रेंड, जैसा कि हम ये लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पर मैं आपको माय कंप्यूटर दिखाता हूँ सबसे पहले। और ये यहाँ पे एक डीवीडी लगी हुई है, विंडोज 7 अल्टीमेट 64 बिट की इसके अंदर फाइल है। और मैं आपको यहाँ पे भी अपना एक पेन ड्राइव लगा के दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये पेन ड्राइव मैंने इसमें लगा दी, 4 GB की पेन ड्राइव है। और ये देखिए, ये यहाँ पे आ गई रिमूवल डिस्क और ये 4 GB की है, ये बिल्कुल खाली है अभी। तो मैं इसको आपको पहले एक तरीका बताता हूँ कि सबसे पहले हमें इसे फॉर्मेट करना चाहिए। 4 GB की अगर आप विंडोज 7 डाल रहे हैं तो कम से कम आपको 4 GB की पेन ड्राइव चाहिए। तो इसे फॉर्मेट करते समय आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसकी जो फाइल सिस्टम जो लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए कि NTFS लिखा हुआ है, तो आपको ये सेलेक्ट करके ही इसे फॉर्मेट करना है। और जैसे आप फॉर्मेट करके वो ओके करने के लिए कहेगा, आप ओके कीजिए और यहाँ पे अभी फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए कंप्लीट हो गई, अब इसे क्लोज कर दीजिए। ये हमने पेन ड्राइव को जो है फॉर्मेट कर दिया। तो अब ये जो यहाँ पे डीवीडी है, इसे हमें राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी सारी फाइल्स आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कंट्रोल ए। जैसे ही हम कंट्रोल ए सेलेक्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ों को सेलेक्ट करेगा और उसके बाद करना है कंट्रोल सी। इससे ये होगा कि ये सारी फाइलें कॉपी हो जाएगी। और उसके बाद में आपको करना ये है कि पेन ड्राइव में जाना है और यहाँ पे आपको करना है कंट्रोल वी। जैसे ही आप कंट्रोल वी कर देंगे तो वो सारी फाइल जो है इसके अंदर कॉपी हो जाएगी और आपकी जो पेन ड्राइव है बूटेबल बन जाएगी। तो ये है एक तरीका। तो मैं आपको अभी थोड़ा हम वेट करते हैं यहाँ पर, और जैसे ही ये बूटेबल बनती है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लेगा, तकरीबन 10 से 15 मिनट टाइम लेता है। तो हम वापस से 10 से 15 मिनट के बाद में वापस आते हैं। जैसे कि अभी ये 30 मिनट दिखा रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे वापस कम हो जाएगा टाइम। तो चलिए मैं दोबारा से वापस आता हूँ 15 मिनट वेट करके। तो फ्रेंड, ये बिल्कुल आसान और बिल्कुल सरल तरीका है अब एक पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना। तो ये सिर्फ विंडो 7, 8 और 10 में होता है, एक्सपी विंडो एक्सपी में नहीं होगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेंगे और जैसे ये 15-20 मिनट में बूटेबल बन जाएगी तो मैं आपको दोबारा से इसको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारी जो कॉपी जो हमने किया था पेन ड्राइव में, ये कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पर पूरा टाइम कम्प्लीट हो चुका है। और अब मैं जैसे ही मैं ये यहाँ से पेन ड्राइव को रिमूव करूँगा और वापिस लगाऊंगा, तो फ्रेंड देखा आपने, जैसे हमने उसमें पेन ड्राइव में विंडो 7 यहाँ पे हमने कॉपी किया था, ये अब बूटेबल पेन ड्राइव बन गया है। और वो हमें कैसे पता चले कि बूटेबल बना है? देखिए यहाँ पे इसका जो है आइकॉन चेंज हो गया। पहले इस तरह का डिस्क बना हुआ आइकॉन आता था और अब जो विंडो की डीवीडी है सेम उसके तरह इसमें आइकॉन बन गया। लेकिन इसमें नाम जो दे रखा है डीवीडी ड्राइव विंडोज 7 अल्टीमेट 64 बिट ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन इसमें रिमूवेबल डिस्क जी लिखा हुआ है, क्योंकि ये रिमूवेबल डिस्क है, इसमें हमने कोई नाम नहीं डाला इसलिए। अब ये
विंडो इंस्टॉल करने के लिए पेन ड्राइव रेडी हो चुकी है। हम अब इसमें किसी भी कंप्यूटर में या लैपटॉप में लगा के इससे विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह से विंडो डालते हैं, किस तरह से हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है विंडो डालने के लिए, और एक पेन ड्राइव से किस तरह से हम विंडो डालते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से मैं निकालता हूँ इसे। तो फ्रेंड अब हम इस लैपटॉप के अंदर देखेंगे कि इस बूटेबल पेन ड्राइव को लगा के हमें क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है और किस तरह से इसमें विंडो डालनी है। तो मैं यहाँ पे अभी पेन ड्राइव लगाता हूँ, और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ये ऑप्शन आ गया पेन ड्राइव। इसे मैं कट करता हूँ, और जैसे हम पेन ड्राइव लगाए हैं तो हमें इसे रीस्टार्ट करना है, और रीस्टार्ट जब करेंगे तब हमेशा हमें इसमें बायोस की सेटिंग में जाना है। तो बायोस की सेटिंग F1 F2 या डिलीट बटन के ऊपर होती है। तो कई बार कई जैसे कि लैपटॉप डेस्कटॉप में जो भी ऑप्शन होता है F2 F1 ये कई बार कई अलग अलग जगह होता है, या तो F2 पे होगा या तो F1 पे होगा या डिलीट बटन पे होगा। तो क्योंकि कई बार हमें बायोस की सेटिंग नहीं मिल पाती है जल्दी से, तो आप ये तीन बटन जो होते हैं इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या F12 भी, ज़्यादातर F की के ऊपर ही बायोस की सेटिंग होती है, तो आप उसमें जाके अपना ऑप्शन देख सकते हैं, या उसके मैनुअली सेटिंग के अंदर आप जाके देख सकते हैं कि ये बायोस की सेटिंग कहाँ पे हमें मिलेगी। तो बायोस की सेटिंग में जाने के लिए पहले जैसे ही कंप्यूटर रीस्टार्ट करते हैं या लैपटॉप रीस्टार्ट करते हैं, तो उसे विंडो चालू होने से पहले F2 के अंदर अगर आपकी बायोस की सेटिंग है तो F2 की को प्रेस करते रहिए, तो वो बायोस की सेटिंग जो है वहाँ पे खुल जाएगी, जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो अब हम सबसे पहले करेंगे कि हमारे लैपटॉप को रीस्टार्ट करेंगे, ये रीस्टार्ट किया। और जैसे ही रीस्टार्ट हो जाए एकदम से चालू होते ही F2 को प्रेस कर दे। यहाँ पे मेरी बायोस की सेटिंग जो यहाँ पे आपने देखा होगा कोने में, F2 के बारे में बताया था सेटिंग के अंदर, सेटअप के अंदर। तो अब हमें करना ये है कि जैसे ही बायोस ये पूरा ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर हमें जाना है बूट के अंदर। इसके अंदर जो ऑप्शन बता रहा है बूट स्कैन्स बता रहा है, किसी में बूट बताता है। अब इसमें जो बायोस की सेटिंग है जो कुछ इस तरह से मैनुअली में आई है, कईयों में बायोस की सेटिंग जो है ऊपर साइडों में लिखा हुआ होता है, तो हर जगह बायोस की सेटिंग अलग अलग होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि बायोस की सेटिंग में जाके जैसे ही आप बूट ऑप्शन में जाएंगे, बूट ऑप्शन में जैसे आप यहाँ पे राइट साइड में देख रहे हैं ऑप्शन के अंदर, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सबसे फर्स्ट के ऊपर है इंटरनल हार्ड डिस्क, इसका HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क, और 2 पे है USB स्टोरेज डिवाइस, और 3 पे है CD या DVD रूम ड्राइवर। तो इसमें ये है क्या, ये फ्रेंड वो है कि आपको जिस भी डिवाइस से बूट करना है, मान लीजिए आपको CD से करना है, तो आपको ये जो CD वाला जो ऑप्शन है थर्ड पे, इसे 1 पे लाना होगा। अगर आपको USB से करना है तो इसे 1 पे लाना होगा, और सेकंड जो बूट डिवाइस होगा वो हार्ड डिस्क होगी हमारी। तो हार्ड डिस्क को हमेशा सेकंड पे रखिए, और फर्स्ट पे वो डिवाइस होना चाहिए जिससे आप बूट कर रहे हो, बूट का मतलब विंडो डाल रहे हो। अब आप विंडो चाहे पेन ड्राइव से डालें या CD से डालें, अगर आप पेन ड्राइव से डाल रहे हैं तो आपको 1 पे जो है USB स्टोरेज को सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे 2 पे जो USB है उसे 1 पे ले जाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे U और D2 मूव ए डिवाइस अप और डाउन, मतलब इसे ऊपर ले जाने के लिए U प्रेस करना होगा और नीचे ले जाने के लिए D प्रेस करना होगा। तो हमें ऊपर ले जाना है तो हम यहाँ पे U सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए अब ये फर्स्ट पे चला गया USB स्टोरेज डिवाइस, और सेकंड पे आ गया हार्ड डिस्क। तो हम यही ऐसे ही रहने देंगे। अगर आप CD से कर रहे हैं तो आपको ये CD वाला जो ऑप्शन है इसे U प्रेस करके फर्स्ट पे ले जाना होगा, और सेकंड पे जो है हार्ड डिस्क को ले जाना होगा इस तरह से। तो अभी हमें करना ये है कि हमें फर्स्ट पे USB रखना है, क्योंकि हम USB पेन ड्राइव से विंडो डाल रहे हैं, और सेकंड पे हार्ड डिस्क, तो इस तरह से। अब इसे हम सेव करेंगे, जैसे ही स्कैप करेंगे तो सेव का ऑप्शन आ जाएगा, सेव पे जाइए, एंटर कीजिए, फिर उसके बाद में स्कैप कीजिए, और उसके बाद में ये सेव एंड एग्जिट के ऊपर एंटर कीजिए, और ये रीस्टार्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली विंडो इंस्टॉलेशन की ऑप्शन पर चला जाएगा।
मतलब कि हमने जो पेन ड्राइव में विंडो डाली है उसे ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा अगर हम बूट डिवाइस वन को सेलेक्ट करके रखेंगे तो। ये बायोस की सेटिंग में अंदर होता है। कई बार हमारे कई फ्रेंड कंफ्यूज आ जाते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो पर्सनली फ्रेंड है उन्होंने मुझसे बोला था कि हमने बूटेबल पेन ड्राइव तो बनाई थी लेकिन उससे है ना विंडो डलती नहीं है, वो ऑप्शन ही नहीं आता। जैसे कि हम सीडी डालते हैं तो सीडी के अंदर ऑप्शन लिखा हुआ आता है कि प्रेस एनी की, कोई भी की के ऊपर एंटर कीजिए और वो बूट लेने लग जाता है। तो यूएसबी पेन ड्राइव से डालते हैं तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं आता, हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये देखिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे हम इसे करेंगे नेक्स्ट और यहाँ करेंगे इंस्टॉल, ये इंस्टॉलेशन ले लेगा। सेटअप इज स्टार्टिंग। ये देखिए, अब यहाँ पे हमें करना है आई एक्सेप्ट लाइसेंस टर्म्स नेक्स्ट। अब यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ पे अपग्रेड अपग्रेड एंड इंस्टॉल विंडो, इसके ऊपर हमेशा ना क्लिक करें, इस पर क्लिक करना चाहिए, कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली। तो ये जो ऑप्शन है हमेशा इसी पे क्लिक करें और आगे बढ़िए। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया आपके हार्ड डिस्क के अंदर, ये जितने भी ऑप्शन है ये हार्ड डिस्क में। आप यहाँ देखेंगे कि ये ड्राइव ए पार्टीशन वन, ये हमेशा 100 MB का रहता है और ये विंडो 7 ऑटोमेटिकली इसे बनाता है। अगर आप विंडो XP डालेंगे तो उसमें खाली आपके जो पार्टीशन 3 या 4 आप जो बनाएंगे वो होंगे। तो इसमें जब भी आप नई विंडो के ऊपर नई विंडो डाल रहे हैं तो पहले वाली विंडो जो ड्राइवर है हमारा विंडो 7, मान लीजिए विंडो 7, 8 या 10 डाल रहे हैं, तो उसके अंदर ये जो पार्टीशन है 100 MB का, इसे छोड़ के नीचे वाला जो सेकंड है ये है हमारा सी ड्राइव, मतलब इस ड्राइवर के अंदर आपकी विंडो डलेगी। तो हमेशा इसमें ध्यान रखिए, अगर आपके नीचे वाले ड्राइवर जो है इन्हें फॉर्मेट करना है तो आप यहीं पे कर लीजिए। अगर आप विंडो डलने के बाद में फॉर्मेट करेंगे तो जो ई और डी ड्राइव के अंदर जो वायरस है वो वापस सी ड्राइव के अंदर आ जाएंगे, मतलब कि जिसमें विंडो डाली है वो सी ड्राइव होती है हमेशा, उसके अंदर सारे वायरस वापस से आ जाएंगे। या तो फिर आप विंडो डालते ही एक एंटीवायरस टोटल सिक्योरिटी डाल दीजिए, ताकि जो ई और डी में ड्राइवर ई और डी में जो डाटा है उसके अंदर के वायरस आपके सी ड्राइव में ना आए, उसे स्कैन करके उन्हें डिलीट कर दीजिए। तो अगर हमें उन्हें डिलीट ही करना है तो आप यहाँ पे देखिए उस ऑप्शन पे जाइए, जैसे कि मैं ड्राइवर 3 पे जाता हूँ और ये यहाँ देखिए फॉर्मेट का ऑप्शन है, फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। तो ये जो है डी ड्राइव है, 3 के ऊपर है, 3 का मतलब डी ड्राइव है और चौथा जो है ई ड्राइव है। तो हमारा जो डी ड्राइव है ये फॉर्मेट हो गया। अब हमें करना है ई ड्राइव, फॉर्मेट कीजिए, ओके कीजिए और ये फॉर्मेट हो जाएगा। और आप जैसे देख रहे हैं कि अब ये पूरा खाली हो चुका है, आगे और पीछे देखिए टोटल स्पेस इसकी है और फ्री स्पेस इधर आ रही है। तो अब आप जैसे कि ये ड्राइवर पार्टीशन 2 पे देखेंगे, ये यहाँ पे टोटल स्पेस है 48 GB की है और यहाँ पे ये 30 GB फ्री बता रहा, मतलब इसके अंदर जो 8 GB जो फाइल है वो विंडो है ऑलरेडी जो पहले डली हुई है। तो इसे हमें फॉर्मेट करना पड़ेगा, क्योंकि विंडो के ऊपर विंडो डालेंगे तो आपकी दो ऑप्शन बताएगा विंडो के लिए। जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो आपको दो ऑप्शन बताएगा विंडो में जाने के लिए। तो आप इसे फॉर्मेट करेंगे तो ये सीधा, जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो सीधा विंडो आ जाएगा, आपका डेस्कटॉप आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट हो गया। अब देखिए पूरा खाली हो गया, आगे भी 48.7 बता रहा है और पीछे की तरफ जो फ्री स्पेस है उसमें भी 48.6 बता रहा है। ये 1-2 MB जो है अपनी स्पेस कवर कर लेता है। तो अब यहाँ पे करना है, इसे सेलेक्ट किया हमने ड्राइवर पार्टीशन 2 को और यहाँ पे हमने इसे नेक्स्ट कर दिया। तो ये आपकी विंडो स्टार्ट हो गई इंस्टॉलेशन। अब देखिए फ्रेंड, सबसे ज़्यादा टाइम जो है यहाँ पे गेटिंग फाइल रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, ये जो है ये सबसे ज़्यादा टाइम लगाती है इंस्टॉलेशन के लिए। तो हम यहाँ पे 20 या 25 मिनट के बाद में आ जाएंगे, जब तक ये 100 नहीं होता तब तक। तो उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो चलिए हम 20 मिनट वेट करके फिर आते हैं। यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो है अभी कंप्लीट हो गई है
और अब ये रिस्टार्ट होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जैसे ही रिस्टार्ट हो जाए तो हमें वापस से है बायोस की सेटिंग में जाना है और बायोस की सेटिंग में वही ऑप्शन को जो है रिपीट करना है। अब ये रिस्टार्ट हो गया, F2 प्रेस करके रखते हैं, F2। अब हमें वापस बायोस की सेटिंग में आ गए। अब यहाँ पे हमें करना है कि बूट के अंदर जाना है और बूट में जो हमने पहले USB को 1 पे रखा था और हार्ड डिस्क को 2 पे रखा था, तो हमें अब यहाँ पे उल्टा करना है कि USB को 2 पे रखना है और हार्ड डिस्क को 1 पे रखना है। तो इससे होगा ये कि जो बाकी की इंस्टॉलेशन जो बची भी होगी, ड्रायर वगैरह जो भी इसमें इंस्टॉल होना है, वापस से विंडो स्टार्ट होने से पहले ड्रायर इंस्टॉल होता है, कई सारी सेटिंग्स जो है ऑटोमेटिक लेता है, तो वो सारी फाइलें जो है इसके रीस्टार्ट होने के बाद में लोड होती है, तो वो सारी फाइलें जो है लोड होगी। तब तक हमें पेन ड्राइव नहीं निकालना है। अभी ये जो है खाली इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ है, बाकी सारी फाइलें जो है लोड होनी बाकी है, वो अभी हुई नहीं है, तो अभी तक वो टाइम लगेगा उसमें, तो उसमें भी अभी 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पे करेंगे ये कि USB डिवाइस को हम पहले D दबा के नीचे ले आते हैं और ऑटोमेटिक 1 पे हार्ड डिस्क चली गई है, और यहाँ पे एंटर करते हैं, ये सेव हो जाएगा। और इसके बाद में स्कैप करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि सेव एंड एग्जिट, सेव एंड एग्जिट पे जाके एंटर दबाते हैं और ये रिस्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने ये जैसे ही रिस्टार्ट हो जाएगा तो और चीज़ को ये डिटेक्ट करेगा पेन ड्राइव के द्वारा। ये देखिए अब ये रजिस्ट्रेशन सेटिंग वगैरह अपडेट वगैरह ये सारी चीज़ें जितनी भी फाइल जो बची भी होगी ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा इस पेन ड्राइव के द्वारा। तो आपको जब तक ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक पूरी तरह से डेस्कटॉप नहीं आ जाता, तब तक आपको पेन ड्राइव डेस्कटॉप या लैपटॉप से हटानी नहीं है। जब तक ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप इसे हटा सकते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे सेटअप इज स्टार्टिंग सर्विस लिखा हुआ आ रहा है, ये सारी चीज़ें अभी कंप्लीट होगी, इसके बाद में डेट टाइम सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा, नाम डालने के लिए पूछेगा। अभी आप आगे देखते जाइए। अब ये यहाँ पे कंप्लीट इंस्टॉलेशन आ गया, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा दोबारा से ये रिस्टार्ट होगा और फिर वापस दोबारा से विंडो पे आएगा। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इंस्टॉलिंग विंडो के ऊपर है, अभी भी इंस्टॉल कर रहा है विंडो को, जो भी बची हुई फाइलें हैं उसे कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन जिसे कहते हैं कि कंप्लीट होना, वो अभी यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट कर रहा है, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा ये वापस से एक बार रीस्टार्ट होगा और फिर उसके बाद में जो डेस्कटॉप का प्रोसेस है उसके अंदर जो फाइलें हैं एक्सट्रैक्ट होने वाली फाइलें वो ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। जो हमने रीस्टार्ट होने के बाद में जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया था कि वापस से हमने USB बूट को 2 पे ले आए थे और हार्ड डिस्क को 1 पे ले आए थे, फ्रेंड इससे होता ये है कि अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करेंगे तो दोबारा से वो वापस पेन ड्राइव को डिटेक्ट करेगा और वापस से विंडो डालने का प्रोसेस आगे बढ़ाएगा। तो आपको ये सेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार मेरे फ्रेंडों की कन्फ्यूजन होता है कि हम पेन ड्राइव से विंडो डाल रहे हैं और वो वापस से इंस्टॉल हो रहा है, फिर रिस्टार्ट होता है, फिर से वापस विंडो इंस्टॉलेशन पे आ जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करते इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। तो जब भी हम पेन ड्राइव डालेंगे, पेन ड्राइव से विंडो डालते हैं, तो आपको इस तरह से करना होगा, पहले आपको जो भी ड्रायर वगैरह जो है इंस्टॉलेशन हो जाएंगे, उसके बाद में जो कंप्लीट इंस्टॉलेशन वाला जो ऑप्शन आता है लास्ट में वो रीस्टार्ट होने के बाद ही आता है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कंप्लीट इंस्टॉलेशन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा अब उसके बाद में विंडो के ऊपर चला जाएगा, डेस्कटॉप के ऊपर जाएगा, वहाँ पर कुछ सेटिंग्स मांगेगा। डेस्कटॉप पर जाने से पहले सेटअप जो होता है, हमें विंडो सेटअप के लिए कई ऑप्शन मांगेगा, नाम लिखने के लिए मांगेगा, टाइम सेटिंग के लिए मांगेगा, डेट सेटिंग के लिए मांगेगा, फिर उसके बाद में जो कुछ फाइलें बची हुई होगी उसे एक्सट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जिप फाइलें और रार जिप फाइल जो होती है इसमें बची हुई उसे एक्सट्रैक्ट कर देता है, फिर उसके बाद में आपका विंडो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है। तो ये प्रोसेस जो है तकरीबन 1 से 1.25 घंटे का प्रोसेस होता है, और अगर आप ये प्रोसेस DVD से करें तो तकरीबन आपको 1.5 घंटे के आसपास लगेगा, और पेन ड्राइव से आपके 15 से 20 मिनट टाइम बचत होती है, क्योंकि पेन ड्राइव में आपकी कोई फाइल करप्ट नहीं होगी, और किसी तरह से कोई एरर या कुछ आएगा नहीं, क्योंकि पेन ड्राइव से सीधी चीज़ें कंप्यूटर या लैपटॉप में जा रही है, और जब हम DVD या CD से डालते तो DVD या CD स्क्रैच होगी थोड़ी भी,
तो वो रीड करने में प्रॉब्लम रहती है, उस हिसाब से उसमें टाइम भी लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम पेन ड्राइव से डालते हैं, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल होती है। और कई फ्रेंडों ने पूछा कि पेन ड्राइव से विंडो डालते तो वायरस आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है वायरस, अगर आप अलग अलग लैपटॉप या कंप्यूटरों में इस्तेमाल करते रहेंगे तो उसमें वायरस है तो वो उसमें भी जाएगा, क्योंकि पेन ड्राइव में जाएगा वायरस, डीवीडी या सीडी में वायरस जल्दी नहीं जाता लेकिन पेन ड्राइव के अंदर जाएगा। हाँ, डीवीडी और सीडी में तब वायरस जाता है जब आप डीवीडी या सीडी में कुछ आप डाल रहे हो तो वो उसके साथ में वायरस जाएगा, चांस है तो जाएगा। अगर आपके पास कोई खेल या K7 की तरह कोई आपने एंटीवायरस डाल रखा होगा तो आपके सीडी या डीवीडी में वायरस जाने के चांस नहीं है। लेकिन अगर आपने एंटीवायरस डाल रखा है तो फिर आपकी विंडो भी करप्ट नहीं होगी। तो विंडो बचाने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप कोई खेल K7 या गार्जियन या इस तरह के कोई भी आप एंटीवायरस आप अपने आपको जो सही लगे उस तरह का आप एंटीवायरस इस्तेमाल करें, ताकि आप इंटरनेट चालू करते हैं या आप घड़ी घड़ी पेन ड्राइव लगाते हैं या गाने डाउनलोड करते हैं तो इन सारी चीज़ों से कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से जो बचाव होता है वो आपके एंटीवायरस ही करता है। तो आप कोई भी एक एंटीवायरस जो आपको लगता है कि ये ठीक है तो आप डाल के रखिए, काफ़ी प्रोटेक्शन होता है इसमें, आपको कभी भी घड़ी घड़ी विंडो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखिए अब ये वापस से रीस्टार्ट होएगा, यहाँ पे सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। तो ये सेटअप इसका जो है आगे का जो सेटअप है अब ये कंटिन्यू होगा रीस्टार्ट होने के बाद में। तो अब ये रीस्टार्ट हो रहा है और रीस्टार्ट होने के बाद में बाकी का जो सेटअप है इसके बाद आएगा, कुछ टाइम सेटिंग के लिए पूछेगा, कुछ नाम के लिए पूछेगा। तो ये देखिए ये रीस्टार्ट हो गया, तो ये देखिए स्टार्ट विंडो हो गए, सेटअप इज प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज़र। जो यूज़र फेस होता है, जो फर्स्ट पहली बार जो विंडो स्टार्ट होती है तब इस तरह से मांगता है, सेटअप इज चेकिंग वीडियो परफॉर्मेंस। अब ये यहाँ पे पीसी का नाम डालना है, तो हमारा डेल का लैपटॉप है तो यहाँ पे डेल नाम डाल देते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि आप जब भी विंडो डाले तो क्या क्या चीज़ें हमें करनी होती है। तो हमने यहाँ पे डेल का नाम डाल दिया और यहाँ पे हम इसे अब नेक्स्ट कर देते हैं। ये इससे पहले जो उसने पासवर्ड वगैरह मांगा था, अगर आप वहाँ पे पासवर्ड ना डाले तो ही अच्छा है। और यहाँ पे अभी हमें मांग रहा है प्रोडक्ट की, तो हमारे पास में अभी कोई प्रोडक्ट की नहीं है, हम फ्री की विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास में अगर प्रोडक्ट की है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसे नेक्स्ट कीजिए। कई और यहाँ पे ध्यान देना कि जहाँ पे ये जो यहाँ पे बता रहा है कि यूज़र रिकमेंडेड सेटिंग और इंस्टॉल रिकमेंड अपडेट ओनली, तो ये दो ऊपर के जो हरे ऑप्शन है ये हमें कभी भी चूज़ नहीं करने, हमें तीसरा ऑप्शन चूज़ करना है आस्क मी लेटर। क्योंकि अगर आप ये इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो है विंडो चालू होते ही अपडेट लेने लग जाएगा, आप जैसे ही नेट चालू करेंगे अपडेट लेने लग जाएगा, आपकी विंडो स्लो हो जाएगी तो आपको काफ़ी परेशानी आएगी। अगर विंडो अपडेट लेने लग जाएगा तो इंटरनेट भी आपका स्लो चलेगा और आपकी प्रोसेसिंग भी जो है कंप्यूटर की वो भी स्लो चलेगी। तो विंडो अपडेट का ऑप्शन कभी मत सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आस्क मी लेटर कर दीजिए। अब यहाँ पे आ गया टाइम सेटिंग के लिए, तो यहाँ पे हमारा टाइम इंडिया का 5:30 का आएगा यहाँ पे, और 5:30 के ऑप्शन में जो है ये देखिए 5:30 के ऑप्शन में चेन्नई कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली आ रहा है, इसे एंटर कर देते हैं, इंडिया का टाइम है ये हमारा, और यहाँ से इसे नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ वाईफाई मांग रहा है, स्किप कर देते, कोई वाईफाई हमें चालू नहीं करना। अगर आप ये डेस्कटॉप में डाल रहे हैं पीसी में तो वहाँ पे आपको वाईफाई नहीं मांगेगा क्योंकि उसमें वाईफाई नहीं होगा, तो इसमें लैपटॉप है तो इसके अंदर वाईफाई वगैरह है, इसके वजह से ये मांग रहा है। अब ये विंडो जो है फाइनल होने वाली है, यहाँ पे फाइनल सेटिंग बकाया रह जाएगी और जो भी फाइनल सेटिंग होगी वो यहाँ पर होगी, और एक फाइल जो है एक्सट्रैक्ट होगी यहाँ पर, एक फाइल वो एक्सट्रैक्ट होते ही आपकी विंडो जो है डेस्कटॉप चालू हो जाएगा। और इसे एक्सट्रैक्ट होने को तकरीबन अभी और 20 मिनट लगेंगे। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट .NET 2015 जो है इंस्टॉल हो रहा है,
ये एक ड्रायर होता है विंडो के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है और जैसे ही इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में जो है हमारा डेस्कटॉप आ जाएगा, और डेस्कटॉप आने के बाद में फिर पूरी तरह से जो विंडो है इंस्टॉल हो जाएगी। तो इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे, तो हम वेट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और ये स्टार्ट विंडो नॉर्मल के ऊपर है। अब यहाँ पे हमें एंटर दबाना है तो हमारे विंडो जो है स्टार्ट हो जाएगी और हमारे डेस्कटॉप का जो ऑप्शन होता है वहाँ पे जाके ये डेस्कटॉप पे तो ये हमारी अब विंडो स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे हमारा जो इंस्टॉलेशन था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपके लिए कोई भी चीज़ नहीं बची। अब इसमें आपको जो जो आपको लगते हैं वो आप सॉफ्टवेयर इसमें डाल सकते हैं, जो जो आपको लगते हैं वो सारे आप इसमें सॉफ्टवेयर आपके हिसाब से आप डाल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फोटोशॉप वगैरह आप जो भी इसमें डालना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी विंडो जो इंस्टॉलेशन था वो कंप्लीट हो चुका है और हमने जो विंडो डाली थी 7 अल्टीमेट जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप, तो ये हमारे डेस्कटॉप पे ले जाएगी, उसको प्रिपेयर कर रही है। तो फ्रेंड ये देखिए ये हमारा डेस्कटॉप आ चुका है। अब आपको यहाँ पे जो जो सेटिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। और सबसे पहले सेटिंग जो है आपको यहाँ पे कोई आइकॉन नहीं दिख रहा, खाली रिसाइकल बिन दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और ये यहाँ पे पर्सनलाइजेशन में जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके डेस्कटॉप के ऊपर जितने भी आइकॉन होते हैं जो हमें चाहिए वो सारे आइकॉन मैं यहाँ पर लाता हूँ। ये देखिए चेंज डेस्कटॉप आइकॉन पर क्लिक कीजिए और ये देखिए यहाँ पे खाली रिसाइकल बिन क्लिक है इसलिए वो हमें नज़र आ रहा है। तो हमें यहाँ पे भी कंट्रोल पैनल, माय कंप्यूटर, यूज़र्स फाइल और नेटवर्क, ये इतने आइकॉन हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अप्लाई कीजिए और यहाँ पे ओके कीजिए और ये यहाँ पे डिलीट कैंसिल कीजिए, ये आ गया आपका पूरी तरह से डेस्कटॉप। तो फ्रेंड अब आप सोचेंगे कि इसमें विंडो तो डाल दी, अब इसमें साउंड वगैरह डालने की ज़रूरत है क्या? तो फ्रेंड ज़्यादातर लैपटॉप में ये होता है कि उसमें ऑटोमेटिक साउंड, वाईफाई नेटवर्क का वगैरह जो भी सारे ड्राइवर वाई वो सारे टोटली इंस्टॉल हो जाते हैं। ये केस ज़्यादातर लैपटॉप के अंदर होता है और डेस्कटॉप जो पीसी होता है उसके अंदर बहुत कम ऐसा होता है कि जिसमें हम विंडो डाल देते हैं तो उसमें ड्राइवर भी डल जाते हैं। तो उसके अंदर कई बार कई ऐसे डेस्कटॉप मिलते हैं कई जिसमें हम विंडो तो डाल देते हैं लेकिन उसमें साउंड ड्राइवर नहीं आता, ग्राफिक ड्राइवर नहीं आता, वीडियो ग्राफिक वाला ड्रायर नहीं आता। कई ऐसे ड्रायर है जो ऑटोमेटिक उसमें नहीं आते और वाईफाई वाला अगर उसमें इनबिल्ट वाईफाई लगा रखा है आपने अलग से तो वो वाईफाई वाला ड्राइवर नहीं आता, तो वो हमें इसमें डेस्कटॉप में अलग से डालने पड़ते हैं। ये ज़्यादातर डेस्कटॉप में होता है, लैपटॉप में बहुत कम होता है, 1% चांस होता है किसी लैपटॉप में कि ड्राइवर पूरे नहीं आए। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपका लैपटॉप का i3 प्रोसेसर है और उसमें आप विंडोज 7 डाल रहे हैं तो उसके अंदर कई ऐसे ड्राइवर हैं जो नहीं आएंगे। तो फॉर एग्जांपल उसमें अगर 3.0 का USB है, USB पोर्ट जो हमारे यहाँ पर लगा हुआ होता है, अगर वो 3.0 का है तो उसमें 3.0 USB जो है चलेगा नहीं क्योंकि उसमें उसका अलग से एक ड्रायर आता है जो विंडोज 7 में अवेलेबल नहीं है, वो 10 और 8 के अंदर अवेलेबल है इसलिए वो उसके साथ में इंस्टॉल हो जाता है। तो कई बेसिक चीज़ें हैं जो हम आगे आने वाले कई वीडियो में सीखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे सीखा कि एक पेन ड्राइव को किस तरह से बूटेबल बना सकते हैं विंडो इंस्टॉल करने के लिए, मतलब कि विंडो इंस्टॉल करने के लिए उसे किस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि किस तरह से हम पेन ड्राइव से विंडो डाल सकते हैं और उसका पूरा डेमो मैंने आपको दिखा दिया, पूरी तरह से मैंने इसमें इंस्टॉलेशन करके दिखा दिया कि अब आप आई होप आप काफ़ी तरीके से सीख गए होंगे। कोई भी अगर बची कुछ ही कसर अगर आपको लग रही है तो आप ये वीडियो को बार बार देखें और सीखें।
और जैसा कि मैंने बताया है कि जब भी आप पेन ड्राइव से बूट करो तो बायो सेटिंग में जाके बूट ऑप्शन वन पे यूएसबी को लाओ और सेकंड पे हार्ड डिस्क को, और फिर उसके बाद में इंस्टॉल कंप्लीट होने के बाद में जैसे ही वो रिस्टार्ट होता है फिर वापस से बायोस की सेटिंग में जा कर के आपको जो यूएसबी डिवाइस है उसको सेकंड पे लाना है और हार्ड डिस्क को वन पे लाना है, और फिर उसके बाद में एंटर करके सेव करके आपकी कंटिन्यू जो है विंडो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस कंटिन्यू रखनी है। तो इसमें आपने काफ़ी कुछ सीख लिया, तो इस वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और रही बात ड्राइवर की, तो मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा और ऐसा एक एप्लीकेशन बताऊंगा जो सॉफ्टवेयर है, जिसे हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, और जो ऑफलाइन और ऑनलाइन भी काम करता है। अगर आप उसे डाउनलोड नहीं कर सकते तो आप उसे इंटरनेट चालू करके उसमें से कई ऐसे ड्राइवर है जो आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में। तो फ्रेंड वो एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर आपको हर मॉडल के लैपटॉप या कंप्यूटर के ड्राइवर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आने वाले कुछ टाइम में। मैं बोल नहीं सकता कि इसके बाद ही वो वीडियो हो, शायद इसके बाद के बाद वीडियो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है मेरे साथ में। तो आई होप आपको इसमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो के लेकर के जो भी आपके मन में सवाल है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, वीडियो TNT हिंदी टेक को देखते रहिए, सीखते रहिए, और नई नई चीज़ें मैं आगे लेके आता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।